अरे देखिए अंकल जी कितना बदतमीज फौजी है। अरे बगल में बैठी लड़की के कंधे पे सर रख के सो गया, उसका फायदा उठाना चाहता होगा। आजकल के लोगों ने ना शर्म बेची खाई है। अरे बेटा जब उस लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है तू क्यों बोल रहा है? अरे अंकल जी लड़की डर रही होगी। डर डर किस बात का? अरे यही कि फौजी कुछ गलत ना कर दे। अरे ऐसे कैसे नजायज फायदा उठा लेगा, हम लोग हैं ना। अरे अंकल जी आजकल के लोग ना बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हैं, आप मेरे साथ आइए हम उसको सबक सिखाते हैं। चल बेटा चल आ जा। अभी ओए बाहर निकल। आप घबराइए मत मैडम, हम आपके साथ हैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, आप दोनों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या क्या हो गया? अबे वो फौजी तुझे तमीज नहीं है क्या? बगल वाली लड़की के कंधे पर सर रख रहा है, वो भी बिना परमिशन, और ऊपर से हमसे पूछ रहा है कि क्या हो गया। देखिए मैं यहाँ पे बैठा था ना तो मेरी अचानक से आंख लग गई थी, और शायद गलती से इनके कंधे पर मैंने सर रख दिया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। बहन मुझे माफ कर दो, वो गलती हो गई। अच्छा बेटा, अरे तुमको क्या हम पागल दिख रहे हैं? अरे अंकल जी मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए मैडम आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अबे ओ फौजी होगा तू बॉर्डर पे, इस वर्दी का ना गलत फायदा उठा रहा है तू, और हमारे देश का नाम बदनाम कर रहा है। अरे हम इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? आप ना ऐसा करो पुलिस को कॉल करो, पुलिस ना इसको गिरफ्तार करके ले जाएगी, जब इसकी वर्दी उतरेगी ना तब इसको पता चलेगा। हाँ। अरे आप दोनों ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं एक देश का सच्चा फौजी हूँ, देशभक्त हूँ, मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा? एक भरी बस में लड़की को क्यों छेड़ूंगा? देखिए आप मेरी बात का यकीन करिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने गलती से सर रख दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही गलत करना चाहता था इनके साथ। अच्छा बेटा ये तेरी ना सारी साजिश है इस लड़की के पास आने की। अरे बस भी कीजिए, आप लोग कितनी देर से कुछ भी बोले जा रहे, मेरी बात सुन तो लीजिए आप। अरे मैडम जी आप डरो मत बिल्कुल। अंकल जी मैं डर वर नहीं रही हूँ, लेकिन उन्होंने जब कुछ गलत किया ही नहीं है तो आप क्यों उन्हें बोले जा रहे हैं? और वैसे भी अगर कुछ गलत किया होता ना तो मैं खुद आवाज उठा लेती, आप लोगों के बोलने की जरूरत नहीं है बीच में। लो अंकल जी अब लड़की ही पलट गई, अब हम क्या करें? पलट गई का क्या मतलब है? अरे वो हमारे देश के फौजी हैं, और आप जानते भी हैं बस में बैठे हैं, उन्होंने मुझे बहन बोला, बहन बहन सबका मतलब पता है, वो मेरे साथ ना कभी कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। अरे बेटा तुझे पता नहीं है आजकल लोग ना वर्दी डाल के पता नहीं क्या क्या कारनामे कर जाते हैं। और आप जो हरकत कर रहे हैं आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है क्या? जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो आप लोग बोलते नहीं हो, और जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोले जा रहे हो। वो बेचारे शरीफ आदमी है, हमारे देश के फौजी है, कुछ गलत नहीं किया, पलट के जवाब नहीं दे रहे तो अपने बोले जा रहे हो कुछ भी। और सच में इस बस में कोई मेरे साथ गलत कर रहा होता ना तो आप लोग टस से मस होकर मेरी मदद करने नहीं आते, मैं चाहे जितना मर्जी चीखती चिल्लाती लेकिन आप लोग ना गूंगे बहरे बन के बैठे रहते, और आप बस खड़े होकर सुने ही जा रहे, जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो बोलते क्यों नहीं? मैं यहाँ पे जानबूझ के ना शांत खड़ा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता था कि हमारे देश के लोग किसी को बेवजह नीचे गिराने में कितनी कोशिश कर सकते हैं, कितना गिर सकते हैं। आज तो इन्होंने हद ही कर दी, इन्होंने मेरा तो छोड़ो मेरी वर्दी तक का लिहाज नहीं किया। कई की बार ना मुझे बहुत शर्म आती है कि हम लोग ऐसे लोगों के लिए सरहद पे ड्यूटी करते हैं, इनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, शहीद हो जाते हैं। जब तक आप जैसे लोग इस देश में है ना तब तक इस देश को संवारा नहीं जा सकता है। अरे बेटा हमसे ना गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। वो ना हमारे देश के फौजी है और वो हमारे देश की शान है, और शान के ऊपर दाग लगाने से पहले ना 100 बार सोच लेना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।